देखिए नेक्स्ट एंगल एक रह गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, अगर हम दो लाइन ऐसे बना दें, ध्यान से देखिएगा ना, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, ठीक है ना। दिस इज एम एन, दिस इज पी क्यू, यहां तक समझ आया। दो लाइन हमने ऐसी बनाई, हमने यहां पर स्केल पटरी रख के नापा, रूलर रख के नापा, यहां का जो डिस्टेंस हमको मिला ये वाला, ये मिला 5 सेंटीमीटर, कितना, थोड़ी दूर आगे गए, फिर यहां पर हमने नापा, ये डिस्टेंस हमने देखा 5 सेंटीमीटर आया। फिर थोड़ी दूर आगे गए, यहां पर हमने स्केल रख के मेजर किया, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस था 5 सेंटीमीटर, समझ आया। अब आप समझ गए, हम 1 किलोमीटर आगे गए, वहां भी नापा तो दोनों लाइन के बीच का गैप कितना था, 5, 10 किलोमीटर आगे चले गए, वहां भी नापा तो गैप कितना था, यानी दोनों लाइन के बीच का गैप हमेशा 5 सेंटीमीटर ही बना रहता है, नहीं बदलता। इसलिए ऐसी लाइनें आपस में क्या कहलाती हैं, पैरेलल, क्या कहलाती हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस नोटेट करने का तरीका क्या है, देखिए, दिस इज एम एन एंड दिस इज पी क्यू, दिस इज द टू लाइन एम एन एंड पी क्यू, एंड बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो पैरेलल के लिए ये नोटेशन हम लोग यूज करेंगे, ऐसे बराबर बराबर, ठीक है, दो बराबर लाइन पैरेलली ऐसे खींच देंगे, इसको क्या पढ़ते हैं, एम एन पैरेलल टू, इस नोटेशन को क्या पढ़ना है, पैरेलल टू, क्या पढ़ना है, हाँ, एम एन पैरेलल टू पी क्यू, एम एन वाली लाइन पी क्यू के लाइन के साथ क्या है, पैरेलल, पैरेलल मतलब बीच का गैप कैसा, ये गैप कैसा, कॉन्स्टेंट, कांस्टेंट मतलब सेम, बराबर होना, इक्वल होना, समझ आया। तो दो लाइन के बीच का डिस्टेंस जब सेम हो जाता है, कभी नहीं बदलता, तो दोनों लाइनें कैसी हो जाती हैं, पैरेलल। और पैरेलल लिखने का तरीका समझ में आया, कैसे लिखना है, ठीक है ना, यहां तक समझ गए। और मान लो यहां पर हमने 5 सेंटीमीटर नापा, यहां पर हो गया 4 सेंटीमीटर, यहां पर हो गया 3 सेंटीमीटर, यहां पर हो गया 2 सेंटीमीटर, यहां पर हो गया 1 सेंटीमीटर, और आगे जाके ये क्या करेगा, 0 सेंटीमीटर, दोनों लाइनें मिल जाएंगी और ऐसे काट के आगे बढ़ जाएंगे एक दूसरे को, समझ रहे हैं ना। तो एक लाइन ऐसी हो जाएगी, एक लाइन ऐसी हो जाएगी, कुछ दूर जाने के बाद कहीं पर कटेगा, जब ये लाइनें एक दूसरे को काटने लगती हैं, दिस इज एम एन एंड दिस इज पी क्यू, जब दोनों लाइनें एक दूसरे को काटने लगती है, तो ऐसी लाइनें कहलाती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जिस पॉइंट पर दोनों कटते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। ये वाला पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कहलाता है, पॉइंट ओ, ठीक है। दो लाइनें जहां कटेंगी तो क्या बोलेंगे, क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट को क्या बोलना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सो पॉइंट ओ इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। जब भी दो लाइनें कटती हैं तो ये वाला जो एंगल बनता है इस एंगल के बराबर होता है, ये एंगल इन्हीं दो लाइनों के बीच का, ये एंगल और इन्हीं दोनों लाइन के बीच का ये एंगल, दोनों एंगल हमेशा कैसे होते हैं, बराबर। और यही एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। मैं इसका नाम रख रहा हूं थोड़ी देर के लिए, देखिएगा ना। उसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी क्या कहलाएंगे, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये, तो एक एम एन वाली लाइन, एक पी क्यू वाली लाइन के बीच का ये एंगल, एक पी क्यू वाली लाइन, एक एम एन वाली लाइन के बीच का ये एंगल, दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट। हम इसका नाम रख रहे हैं 1, 2, 3, 4। इसमें एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 3, इसको क्या बोलना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर से एक एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के, इसको भी क्या बोलना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ रहे हैं ना, क्या बोलते हैं ऐसे एंगल को, जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं, कब, जब दो लाइनें क्या होती हैं, इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उनको क्या पढ़ा जाता है,
और इनकी वैल्यू हमेशा बराबर होती है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ये 60 है तो ये भी कितना, 60। समझ आया? और ये क्यों होता है, इसका छोटा सा प्रूफ कभी कभी आपके पेपर में आता है, छोटा सा प्रूफ। कैसे करेंगे? लीनियर पेयर के एंगल से करेंगे। जैसे ये है स्ट्रेट लाइन, कौन सा, पी क्यू, दिखा पी क्यू, तो 1 और 2 इन दोनों का सम कितना होगा, इसका प्रूफ देखिए ना, छोटा सा प्रूफ, जस्ट 2 मिनट प्रूफ, ठीक है। पी क्यू इसे स्ट्रेट लाइन, पी क्यू इसे स्ट्रेट लाइन, और आप सब जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट के इधर एक तरफ कितना एंगल बनता है, टोटल 180 डिग्री बनता है कि नहीं, बोलो बनता है कि नहीं। तो पी क्यू के ऊपर कौन सा एंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा मिलके, और इसको क्या बोलना है, लीनियर पेयर एंगल या स्ट्रेट एंगल, अभी अभी आपने सीखा, तो मैं इसको क्या लिख लूं, बोलिए, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है, होता है ये, हुआ कि नहीं हुआ। इसको ना हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये किस लाइन के लिए हुआ, किस लाइन के लिए हुआ, पी क्यू के लिए हुआ, समझे ना। उसके बाद हम इस लाइन के लिए ले लेते हैं एम एन, ठीक है, अगेन एम एन इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर कौन सा एंगल ले लें, एंगल नंबर 2 एंगल नंबर 3 ले लें, एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 3 सम कितना, 180। इक्वेशन नंबर 2 रीजन सेम सेम एस एव, जैसे ऊपर दिए, दिख रहा है ना कौन सा लाइन है, ये एम एन, इसके ऊपर स्ट्रेट एंगल का कौन सा एंगल ले रहे हैं हम, एंगल नंबर 2 प्लस 3, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो ये दोनों एंगलों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री, लिख लिए आप। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे। सो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अरे भैया ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो आपस में भी बराबर होंगे ना, तो हमने लिख लिया 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, यहाँ एंगल 2 यहाँ एंगल 2 कैंसल, तो इधर क्या बचा, एंगल 1 किसके बराबर, एंगल 3 के बराबर। देखो तो एंगल 1 ये था, एंगल 3 ये था, दोनों की वैल्यू कैसी होती है, बराबर, समझे ना। और ये कौन से एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, प्रूफ हो गया कि आपस में बराबर होते हैं। ये प्रूफ समझ में आया, छोटा सा, किससे बना रहे हैं, वही लीनियर पेयर एंगल लेके बना रहे हैं। अब अगर आप एक बार ये लाइन जब लिए, तो आप इधर के एंगल ले लीजिए, ध्यान से सुनिए, सेम चीज हम रिपीट कर रहे हैं ना, यहां पर देखिएगा ना, ये सेम स्टेटमेंट यहां लिखा, पी क्यू इसे स्ट्रेट लाइन, ये है पी क्यू, और इसमें हमने किस दो एंगल का सम 180 लिया था, 1 और 2 का, सेम इस लाइन के नीचे तरफ भी तो 4 और 3 का सम 180 होगा, यही है ना, पी क्यू में बन रहा है ना 4 और 3, तो 4 और 3 को भी क्या लिख सकते हैं, जस्ट इसके बाद कितना, 180। रीजन क्या लिखेंगे, यही, अभी इस लाइन को देखिए एम एन, अभी एम एन में हमने कौन सी एंगल की बात की थी, ऊपर वाले 2 और 3, आप एम एन में कौन सा एंगल ले लें, नीचे वाला, कौन सा, 1 और 4, तो इसका भी होगा, तो ये इसके बाद वाली लाइन, इसके नीचे क्या लिखोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 दोनों का सम 180 डिग्री। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो ना। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 क्या करना है, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो दोनों आपस में भी बराबर, फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 4 कैंसिल हो गया, कौन सा लिए थे, एंगल 4 और ना पी क्यू में हमको क्या लेना है, एक हमने ये लिया पी क्यू, अभी हमने ऊपर कौन सा एंगल लिया था इसमें, 1 और 2, अभी क्या लिया, 4 और 3, ये लिया ना, और अभी हमने ये वाला एंगल लिया, ठीक लिए, दिस इज 1 और 2, और यहाँ पर क्या ले लिए, एम एन वाली लाइन में हमने ऊपर वाला लिया था 2 और 3, 2 और 3, तो 2 2 कैंसिल, 1 और 3 बराबर हो गया, ठीक है।
यहाँ पर क्या लिया पी क्यू में, पी क्यू में कौन सा लिया नीचे वाला 4 और 3, और एम एन में 2 और 3 ऊपर लिए थे, 1 और 4 ले लिए, ठीक है। इसमें कौन कैंसिल हो गया 4, तो फिर से 1 और 3 आ गया, ठीक है। दिस इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, फिर से प्रूव हो गया वही चीज, समझ रहे हैं। या आप एक काम कर सकते हैं, इसमें आपने 1 और 2 ले लिया और एम एन में आप क्या ले लें 1 और 4 ले लें। ध्यान से सुनिए, इसमें पी क्यू का कौन सा ले लें हम 1 और 2, ऐसे भी कर सकते हैं, एंगल 1 एंगल 2 180, और एम एन का आप क्या ले लें नीचे वाला कौन सा 1 और 4 180, दोनों बराबर होंगे 1 और 2 1 और 4 बराबर हो जाएंगे, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो कौन बचेगा 2 4 के बराबर, दिख रहा है 2 और 4 भी वर्टिकली आपस में इक्वल होते हैं। तो किसी भी तरह से लेके बनाया जा सकता है, ऐसे ऐसे कोई भी रिजल्ट ला सकते हैं हम, समझ आ रहा है। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आप पहचान लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहाँ बनता है, कैसे बनता है। अब इसके बेसिस पर, इतने सारे एंगल के बेसिस पर हम लोग एग्जाम्पल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास से आप डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल और एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। इतना आप पढ़ के आएंगे अब अगली क्लास में।